अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी चिकन नूडल्स, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने चिकन बॉनलेस ले लिया, इसको मैंने ये सिरका, सोया सॉस और नमक लगा के रखा है। और ये स्पैगेटी मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर ली है। गाजर, शिमला मिर्च काट ली है और ये मैंने बंद गोभी काट ली है। ये देखें, अभी हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जिसके लिए ये मैंने रखी है देच की, उसमें ऑयल डाला है। अब इसमें ये चिकन डाल दिया है, इसको अब हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। ये चिकन अब हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह लंबे लंबे स्लाइस काट लें या क्यूब्स काट लें, जैसे भी आप लोगों को पसंद है। ये देखें, जब इस तरह से चिकन का कलर तब्दील हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अब हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से जब अदरक लहसुन आपका अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसके बाद हम सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर और ये शिमला मिर्च। बंद गोभी हम एंड पर डालेंगे, इसलिए तो बहुत नरम होती है, जल्दी पक जाती है। इसको अभी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। गाजर और शिमला मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। ये देखें, जब गाजर और शिमला मिर्च इस तरह से फ्राई हो जाए अच्छी तरह, फिर हम इसमें डाल देंगे ये बंद गोभी। बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया है। इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता, इसलिए एंड पे डालते हैं, ये बहुत जल्दी पक जाती है। इसको अब मैं 1 मिनट के लिए सब्जियों के साथ फ्राई करूँगी। ये देखें, बंद गोभी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दड़ा मिर्च, नमक और काली मिर्च, और साथ ही मैं डाल दूंगी चिली सॉस, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ये सोया सॉस। सिरका इसमें मैं कम डालूंगी, चिली सॉस में भी सिरका होता है, और मैंने चिकन को भी सिरका लगाया था, तो इस तरह बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। इसको मैं 1 मिनट के लिए अभी फ्राई करूँगी ये चिली सॉस और चिली फ्लेक्स के साथ। ये देखें, अच्छी तरह से वो पक गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बॉईल की हुई स्पैगेटी, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया, तो ये स्पैगेटी पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको अभी हम केचप के साथ खाएंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।